बड़े ठाट हो गए तेरे इमली। अब बता भी दे, बस्ती वाले तुझसे नाखुश क्यों? बहुत सवाल कर लिए तूने, अब शांत भी हुई जा चकोर। एक मंत्री के लिए जरूरी नहीं कि वो जनता के हर एक सवाल का जवाब दे। अच्छा, तेरे इस मंत्री पद ने तुझे इतना घमंड में डुबो दिया कि तू अपनी दीदी को नाम से पुकारने लग गया। कितनी बड़ी हो गई इन्हें कि अपने बड़ों को सम्मान देना भूल गई। हम किसी को भी अपने से बड़ा बुलाने के लायक नहीं समझते, फिर हम कैसे भी बुलाएं? बात तो एक को ही है ना? ठीक है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तू सम्मान दे या ना दे, हमें दीदी बुलाए या चकोर, मगर हमारे सवालों का जवाब दे। आजादगंज में क्या हो रहा? तू क्या कर रही है आजादगंज के साथ और क्यों कर रही है? आजादगंज में वही हुई रहा है जो आजादगंज की मंत्री श्रीमती इमली देवी की इच्छा है, और हमारी तो एक को ही इच्छा है कि आजादगंज में भला हो, और वो भला हम करें। और सच कह, जब से हम मंत्री बने ना, तब से आजादगंज की मस्त उन्नति हुई रही। और सच कहे तो हम कहा कुछ नहीं कर रहे बस्ती वालों के लिए। उनकी ये बिटिया लोगन का ब्याह करवाते हैं, उनका सारा खर्चा उठाते हैं हम। हमारे राज में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि किसी कन्या के घर वालों को दहेज देना पड़े। अब इतनी सुख सुविधा देने के बाद भी कोई जाकर आत्महत्या कर लेते, तो इसमें हमारी कहा गलती, हम कहा कर सकते हैं? शिको उनका बताए राज कि कुसुम ने आत्महत्या कर ली, जान से मार दी अपने आप। अगर कुसुम का ब्याह नहीं करना था तो हमें आकर कहती, हम ब्याह रुकवा देते, नहीं करने देते ब्याह। अगर यही है ना, इस साले बस्ती वाले नमक हराम। एक तो इन लोगों के लिए इतना कुछ करो, और फिर इन लोग हमारी बुराई करते और हमारी पीठ पीछे हम कहीं चुरा फूकते। अगर पता है कहा चको, अब हमका ना कोनो फर्क नहीं पड़ता, सच में कोनो फर्क नहीं पड़ता हमका। अब चूटी के काटने से हाथी अपना रास्ता थोड़ी ना बदलत है। क्यों? की पट्टी चाय ऐसे बनाते हैं, हमारे पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ते। अरे हमारी नाक कट जाइए, हम खाली हाथ बिना वधू के कैसे जाइए? सब लोगन हंसेंगे हमारे ऊपर। यहाँ पर किसी की मौत हुई है और तुम्हें अपने नाक की पड़ी है। चलो रे, उठाओ सब लोग, अंतिम संस्कार के लिए लेके चलो। माई, अंतिम बार दर्शन कर लो, हम लेके जाए। कसम, कसम बिटिया, हमका काहे छोड़कर चली गई? हमरा दिल दुखाए वाले को कभी माफ नहीं करेंगे हम। काहे बेटा,
कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। कुमोद, बहुत समय से दिखाई नहीं दे रही है। कुमोद, हमारी बिटिया कहाँ गई रे? कुमोद, कोई ढूंढना है? कोई ढूंढो का, कोई ढूंढो। कुमोद, 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 कहाँ चली गई हमारी बचवा? तुझे हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं बताना चाहती मत बता, बस इतना बता दे कि सूरज कहाँ है। इमली, हम कुछ पूछ रहे हैं, सूरज कहाँ है? हमारे वापस आने के बाद से सूरज हमसे मिला ही नहीं, ना वो हमें लेने आया, ना बस्ती में कहीं दिखाई दे रहा। हमें पूरा विश्वास है कि तू जरूर जानती हो सूरज कहाँ है, इसलिए बता सूरज कहाँ है, हमें उससे अभी मिलना। अरे मिल लेना चकोर, इतनी उतावली काहे हो रही है तू? सूरज हमारे किसी जरूरी काम से बाहर गया, और काम इतना जरूरी था ना कि सूरज के सिवा वो काम और कोई भी नहीं कर सका था। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, दूसरे से हो जाएगी। उत्सव नाम है ना लड़के का, तो का बोलो कि उत्सव मनाए, और उसका साथ में ये भी बोल देना कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि किस्मत जोरों में है। अब देखो ना, 19 बरस की बजाय 14 बरस की लड़की हमको उपहार में दे रहे, तो हुई ना उसकी किस्मत अच्छी, बताओ। अब कुसुम तो चली गई, अब उसके बदले उसकी छोटी बहन है कुमुद करेगी ब्याह। इमली तो सच में पागल हो गई, अंदाजा भी है तू क्या करने जा रही? तू एक मंत्री है ना, मंत्री होकर कानून नहीं जानती क्या? एक नाबालिग की शादी करवाना कानूनी अपराध है, और हम तुझे ये पाप नहीं करने देंगे, हम तुझे ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हम कछो भी कर सकते, ये हमरा साम्राज्य है, या हमरी सरकार चलती, और हमरी सरकार में बस एक को चीज गलत मानी जाती, और वो है हमारा अपमान करना। गुस्सा होकर जाने का कोनो फायदा नहीं है चकोर, हमारे पति हुकूमत का पकड़ लेंगे। और लड़की हमारे पति के चंगुल से कहीं भी भागकर नहीं जा पाई है, और बहुत जल्द हमारे पति उस लड़की का उत्सव के घर वालों को सौंप देंगे, और तू कछो नहीं कर पाएगी। पति मतलब विवान ठीक हो गया?